हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। आज हम आटे से फिर से एक अलग डिज़ाइन के नमकीन स्नैक्स बनाएंगे। ये बहुत ही खस्ते और कुरकुरे हैं। ये एक क्रिश्चियन स्नैक रेसिपी है, यूजुअली इसे मीठा बनाया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे नमकीन बनाएंगे। अगर आपको मेरी ये नमकीन स्नैक रेसिपी पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक सब्सक्राइब शेयर और नोटिफिकेशन बेल बटन ऑन करना ना भूलिए डेली रेसिपीज अपडेट के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फूल की कलियाँ। हमने यहाँ पे 2.5 कप गेहूं का आटा लिया है। अब इस तरह से हम कुआ बना लेंगे, यानी कि वेल बना लेंगे। इसमें 5 टेबलस्पून गरम घी डालकर अच्छे से आटे को मिला लेंगे और मोइन कर लेंगे। तो हमने अच्छे से मोइन कर लिया है। देखिए ये बन रहा है, ये टूट नहीं रहा है, तो एकदम परफेक्ट है। इसमें अब हम 1/2 टीस्पून अजवाइन डाल लेंगे। ये भुना हुआ अजवाइन नहीं है। साथ ही साथ हम इसमें नमक डाल देंगे और अच्छे से हमें मिला लेना है। अब थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालते जाएंगे और मीडियम और स्टिफ के बीच में डो तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही ज्यादा मुलायम नहीं होना चाहिए। तो डो हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है। अब इसमें 1/4 टीस्पून घी डाल के अच्छे से लोचदार और चिकना कर लेंगे। तो हमारा गेहूं का आटा यहाँ पे तैयार हो चुका है। हम यहाँ पे मीडियम लोई ले लेंगे और गोलाकार दे देंगे और हमें यहाँ पे थोड़ा सा पतला बेल लेना है, लेकिन बहुत ही पेपर की तरह पतला नहीं बेलना है। हम यहाँ पे सूखे आटे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने आटा बहुत ही अच्छे से गूंदा है, तो हमें सूखे आटे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए हमने रोटी की तरह से बेल लिया है। अब पिज़्ज़ा कटर या छुरी की सहायता से हम इसे स्क्वायर आकार दे देंगे। और जो एक्स्ट्रा है वो हम आटे में मिला देंगे। अब हम 1.5 इंच के माप में लंबा काट लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे लेंथ वाइज काट लिया है 1.5 इंच। अब हम ब्रेथ वाइज 1.5 इंच काट लेंगे। तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच लंबाई और 1.5 इंच चौड़ाई के माप में काट लिया है, तो ये प्रॉपर एक स्क्वायर शेप में आ चुका है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं स्क्वायर। तो अब ध्यान से आप देखिए किस तरह से इस डिजाइन को बनाना है। अब इसके जो दो विपरीत यानी कि ऑपोजिट कॉर्नर्स हैं, उसे हम हल्के हल्के हाथों से दबा देंगे इस तरह से। तो देखिए हमने इसे दबा दिया है अच्छे से। अब बचे हुए दो कोनों को इस तरह से हम मोड़ देंगे और दोनों किनारों के जो हिस्से हैं हम उसे भी अच्छे से दबा देंगे, नहीं तो तलते वक्त ये खुल जाएंगे। आप यहाँ पे बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हो, उन्हें ये बनाना काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो देखिए हमने एक कलिया तैयार कर ली है। तो आपने देखा ये कितना आसान है बनाना। तो फिर से आप देख लीजिए कि किस तरह से हमें कलिया तैयार करनी है। तो आपको पता चल गया है कि किस तरह से हमें बाकी की कलियां तैयार करनी है। तो इसी तरीके से हम बाकी की भी कलियां तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ पे छोटा सा बैच तैयार कर लिया है। तो देखिए काफी क्यूट से लग रहे हैं, ये हूबहू फूलों की कलियां जैसी ही दिख रही है। अब इसे हम तल लेंगे। तेल को हमने यहाँ पे गर्म कर लिया है मीडियम फ्लेम पर और अब हम कलियां डाल देंगे। अब हम इसे डाल लेंगे गरम तेल में और जैसे ही हम इस कलियों को तेल में डालेंगे हम यहाँ पे आंच को धीमा कर लेंगे।
और नियमित अंतराल पर यानी कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर हम इसे स्पैचुला की सहायता से ऊपर नीचे करते रहेंगे ताकि एक समान रंग आए और अच्छे से ये तल जाए। हमें इसे सुनहरी होने तक तलना है। तो देखिए सुनहरी रंग आ चुका है, तो अब इसे हम प्लेट पर निकाल लेंगे। तो बाकी की भी कलियां तैयार कर लेंगे और इसी तरीके से धीमी आंच पर हम इसे तल लेंगे सुनहरी होने तक। तो देखिए ये सुंदर से फूल की कलियां तैयार हो चुकी है। देखिए इसका जो आकार है यानी कि जो शेप है एकदम परफेक्ट आया है और बहुत ही अच्छे से इसे तला भी है हमने। हम इसे टेस्ट करके देख लेते हैं। ये बहुत ही फुसफुसे से बने हैं, ये मुंह में जाते ही नान खटाई की तरह एकदम घुल जा रही है। ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही ज्यादा हटके है। आप इसे आराम से 1 से 2 महीना स्टोर करके रख सकते हो। तो मुझे यकीन है आपको ये फूलों की कलियां का बनाने का तरीका बहुत ही पसंद आया होगा। तो आप जरूर इस गर्मी में ट्राई कीजिएगा और आपका मूवली फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ ब्लेसफुल लाइफ।